पिछले कल कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत के बाद आज हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यह अंतिम संस्कार भल उपमंडल के डडौर और कंसा चौक के बीच बहने वाली खड्ड के तट पर किया गया। इस मौके पर एसडीएम भल आशीष शर्मा और डीएसपी अनिल पटियाल भी उपस्थित रहे। मेडिकल कॉलेज से शव को पूरी तरह से पॉलिथीन में रैप करके शव वाहन के माध्यम से शमशान घाट पहुंचाया गया। परिवार की तरफ से मृतिका का पति और दोनों बेटे अंतिम संस्कार में शामिल हुए। प्रशासन की तरफ से रीति रिवाजों का निर्वहन करने के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। परिजनों ने सभी परंपराओं का निर्वहन किया और बड़े बेटे ने अपनी माता की चिता को मुखाग्नि दी। प्रशासन की तरफ से तैनात कर्मचारियों ने शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। एसडीएम भल आशीष शर्मा ने बताया कि पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। कुछ लोगों में कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार को लेकर भ्रांतियां हैं, उन्होंने इसका प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मृतिका का अंतिम संस्कार पूरी प्रोटेक्शन के साथ किया गया है, इसलिए कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है। तो आज हम यहाँ इनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी हिंदू रीति रिवाज हैं सबका पालन किया जा रहा है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि तरह तरह की भ्रांतियाँ इसके बारे में फैली हुई हैं कि जो कोविड के कारण डेथ हो रही है उसके कारण इन्फेक्शन फैलने का। तो जैसा कि आपको डॉक्टर्स भी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि जो कोरोना का फैलने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारी ब्रीदिंग के कारण, हमारी ब्रेथ के कारण वायरस फैलता है। जब एक बार पेशेंट की डेथ हो गई है तो ब्रीथ करने का तो मतलब ही नहीं, और उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट की सॉल्यूशन से पूरा डिसइंफेक्ट करने के बाद बिल्कुल एक लीक प्रूफ उसमें बैग में बॉडी यहाँ लाई जाती है ताकि इन्फेक्शन फैलने का कोई डर नहीं रहे। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि जो भी बॉडी को हैंडल कर रहे हैं उन्होंने प्रोटेक्टिव किट डाली हुई है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी लोगों को गाइड करें, थोड़ा सा बताएं कि इन्फेक्शन फैलने का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें, बुजुर्ग महिला नेरचौक शहर के रति वार्ड की रहने वाली थी और 20 मई को जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उक्त महिला को किडनी की शिकायत भी थी और इसका उपचार भी चल रहा था। पिछले कल दोपहर के समय महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई और इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन शाम करीब 4:45 इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज इनका अंतिम संस्कार किया गया है। हालांकि कुछ लोगों ने अंतिम संस्कार करवाने का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने मामला शांत करवाते हुए लोगों को समझाया। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।